दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जो नई सीरीज चालू की थी जिसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते थे, तो उस क्वेश्चन के जो विनर है, मतलब जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था, उनका नाम है कुशल। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के सेशन में भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं जिसके आंसर देखता हूं कि सबसे पहले कौन देता है। तो दोस्तों ये अपना थर्ड लेक्चर है, चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ऑलरेडी हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड। अब देखो यहां पे जो पहला क्वेश्चन है वो है 183.7 डिग्री। हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट और सेकेंड में। अब देखो सबसे पहला स्टेप तो आपको याद रखना है कि ये 183 डिग्री प्लस यहां पे जो पॉइंट के बाद लिखा होगा उसको लिखना है। देखो मैंने 0.7 लिखा पर आगे कुछ नहीं है तो यहां पे जीरो आएगा और ये भी किसके अंदर आ जाएगा, डिग्री में। अब देखो मैंने सबसे पहले दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब दोनों को सेपरेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब देखो ये 183 ऐसे ही होगा और यहां पे ये जो 0.7 डिग्री है ना, इसे हमें क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री मैंने कल भी बताया था, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। तो मतलब अब देखो हमें क्या करना है, हमें डिग्री से, डिग्री बड़ा होता है, डिग्री से हमें मिनट की ओर जाना है। तो मिनट क्या होगा, छोटा होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कल देखो मैंने बताया था जब हम बड़े यूनिट की ओर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, पर जब हम डिग्री से, अभी ये देखो यहां पे डिग्री है, डिग्री से हमें कहां पे जाना है, मिनट में जाना है। मिनट में जाना है मतलब ये छोटा यूनिट है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, अगर हम छोटे यूनिट की ओर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, मिनट में। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 183 डिग्री। अब देखो इसको मल्टीप्लीकेशन ना बहुत सिंपल एकदम मजेवार तरीके से बता रहा हूं, 7 6 जा क्या होता है 42 होता है और साथ में एक जीरो, तो इसको भी लगा लो। और उसके बाद पॉइंट के बाद कितना नंबर है दोस्तों, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पीछे से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो और ये जो आंसर मिला ये मुझे किसमें मिला, मिनट में मिला। और 183 डिग्री प्लस 42.0 मतलब 42 होता है मिनट और फाइनली दोस्तों इसका आंसर कितना है, 183 डिग्री 42 मिनट। तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ। तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आज मेरे चेहरे पे आपको थोड़े बहुत पसीने दिखाई देंगे, पानियों के बूंद दिखाई देंगे, मेहनत दिखाई देगा, बट याद रखना आपके लिए कुछ प्रदीप सर स्पेशल कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कुछ स्पेशल काम चालू, इसलिए हमारा एसी सब कुछ जो सेटअप है दूसरे जगह जा रहा है, तो जस्ट थोड़ा सा आप वेट करना, इसके बाद आपको कुछ स्पेशल दिखाई देगा। तो अगर आपको चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको बीच बीच में आवाज भी आया तो एडजस्ट करना, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 245.33 डिग्री। हमें क्या करना है, इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन सही लिखा, अब देखो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 245 सबसे पहले हम सेपरेट कर देंगे और पॉइंट के बाद यहां पे क्या है, 33 और उसके आगे हम जीरो ले लेंगे और इसको भी हम दोनों को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने के बाद दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 245 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, 0.33। याद है आपको हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, 60 से मल्टीप्लाई करते थे और ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा था, मिनट में। देन यहां पे क्या आएगा, 245 डिग्री प्लस, अब देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 33 कर दो फास्ट, ये देखो यहां पे मल्टीप्लीकेशन भी करना है। 6 थ्रीजा कितना होगा दोस्तों, 18, 1 कैरी, 6 थ्रीजा 18 और 19, तो यहां पे क्या है, 198 और साथ में एक जीरो है क्योंकि ये 60 है, तो यहां पे हम एक जीरो भी लेंगे। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर से दोस्तों, पॉइंट के बाद 2 नंबर से, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट दे दो और ये किसमें हो गया, मिनट में हो गया। अब फाइनली हमारा आंसर क्या है, 245 प्लस, अब देखो यहां पे क्या है, 19 मिनट है ना। अब देखो इसको भी मैं सेपरेट कर रहा हूं, यहां पे क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 0.0 आया था, अब देखो मैं इसको भी मिनट दोनों पे दे रहा हूं और यहां पे 0.80 पे भी मैं क्या कर रहा हूं, मिनट दे रहा हूं। अगर चाहिए तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप 0. ये दिखाई दे रहा है, 0.80 को आप 0.8 भी लिख सकते हो। अब हमने क्या किया, ये 245 डिग्री हो गया, ये 19 मिनट अब साथ में लिख दिया। अब हमें कैलकुलेशन बस इस वाले पार्ट का करना है। अब दोस्तों यहां पे अगर 0 आ गया होता तो आगे हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, जैसे 42.0 आ गया था, बट आगे अब इसे सॉल्व करना है। अब ये किस में है, मिनट में है और हमें किसके अंदर जाना है दोस्तों, सेकेंड में जाना है, तो वही हमारा कैलकुलेशन है। अब देखो यहां पे 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, ये भी याद रखना, जैसे 1 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, वैसे 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 सेकंड।
अब देखो यहां पे 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60। अब देखो ये किस में हो गया, सेकंड में हो गया, सेकंड मतलब डबल डैश यहां पे देना है। देन फाइनली ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 245 डिग्री 19 मिनट प्लस, अब देखो 86 कितना होगा 48 होगा, 86 कितना होगा 48, और हम क्या करेंगे यहां पे एक और जीरो लेंगे क्योंकि साथ में एक जीरो है, और साथ में पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट देंगे, और ये फाइनली किस में है हमारा, सेकंड में है। तो इसी का मतलब क्या हुआ, 245 डिग्री 19 मिनट और ये क्या हो गया 48 सेकंड। तो यहां पे हमने पूरा का पूरा ये पार्ट भी क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट भी आपको बहुत ही जोरदार तरीके से समझ में आया होगा। अब अपना लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। फिर से मैं बता देना चाहता हूं, अगर मेरे चेहरे पे अगर आपको थोड़ी बहुत अगर यहां पे अगर ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि सर के चेहरे से बहुत पसीना आ रहा है तो समझ सकते हो, मैंने बोला कि प्रदीप सर कुछ स्पेशल कर रहे हैं आपके लिए, जल्दी ही एक दो दिन में वो दिखाई देगा। तो यहां पे एसी ये सब बंद है, पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लेक्चर्स नहीं रुकने चाहिए, जो हमने हमारे स्टडी में जो कंटिन्यूटी रखी है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। चलो लास्ट क्वेश्चन, 1/5 और ये क्या है, सी है। अब सी मतलब क्या हो गया, रेडियन में है। अब हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले दोस्तों डिग्री में कन्वर्ट करना है, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद ये सब कैसे थे, डिग्री में ऑलरेडी कन्वर्ट थे, हमने आंसर निकाल लिया, बट ये कैसा है, रेडियन में है, और पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद आपको इसका आंसर आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहां पे देखो 1/5 है, और मैंने बोला था कि अगर कभी भी आप डिग्री से रेडियन जाते हो डर, तो डर किसका होता है, पापा का होता है। अगर डर पापा का होगा तो हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर यहां हम रेडियन से डिग्री जा रहे हैं, उल्टा है, तो यहां पे हम क्या करेंगे 180 बाय पाई मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये किस में चलेगा, डिग्री में। अब यहां पे क्या होगा, देखो मैंने आपको ये भी कैलकुलेशन बता दिया कि ये फाई के टेबल में 180 कितने टाइम में आता है, 36 टाइम में, याद कर लो इसको। तो यहां पे क्या हो गया, ये 36 और यहां पे क्या हो गया, ये पाई, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया दोस्तों, डिग्री में। बट याद रखना हमें पूरा का पूरा इसको अच्छे पूरे नंबर्स की तरह इसको डिग्री में कन्वर्ट करना। तो मैं क्या करूंगा, ये 26 है, ये यहां पे मैं 22/7 लूंगा, मैं 3.14 भी ले सकता था, बट यहां पे 3.14 लेने के बाद आप डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, इससे अच्छा ये नंबर ले लो। अब देखो ये वाले नंबर्स ना यहां पे आने के बाद चेंज हो जाते हैं, मतलब जो डिनोमिनेटर में रहेगा उल्टा हो जाएगा, आपके लैंग्वेज में समझना है उल्टा हो जाएगा। देखो ये यहां पे आया तो 7 ऊपर, और ये अब दोनों को ध्यान से देखो, अगर दोनों को ध्यान से देखूंगा तो इसका हाफ कितना होगा, 11 होगा, और अगर इसका हाफ करोगे तो आप 18 होगा। तो दोस्तों अगर सिस्टमैटिक अगर हम सॉल्व करना चाहे तो यहां पे 18/7 का कितना होगा, मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग को 18 का टेबल भी नहीं आता होगा, पर बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहां पे जस्ट 18 को 7 से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर में 126 दिखाई देगा। ये देखो 7/8 जा 56, 5 कैरी, 7/1 जा 7 और 5 12। तो कोई भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपको 10 तक भी टेबल आता होगा ना तो आप आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नीचे 11 है और ये डिग्री है, अभी भी ये क्वेश्चन जैसे पहले वाले क्वेश्चन है ना वैसा नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, 11 से डिवाइड भी, क्या बात है सर आप डिवाइड भी सिखा रहे हो, सब कुछ सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे एक भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिनको प्रॉब्लम होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत लोगों को डिवाइड आता है, तो आप मेरे साथ भी कर सकते हो, 11 1 11 और यहां पे क्या आएगा 1 एंड यहां पे 6 आया। अब 11 के टेबल में अगर हम देखेंगे तो 16 से छोटा नंबर कौन सा आता है, फिर से 11 आएगा दोस्तों, और यहां पे क्या आएगा 5, और यहां पे हम एक जीरो लेते हैं तो यहां पे पॉइंट देते हैं, क्या बात है सर, यही तो बहुत बड़ा डाउट था। और 11 में 11 के टेबल में 50 से छोटा नंबर कौन होता है, तो दोस्तों 11 4 44, फिर यहां पे भी क्या आया 6 आया, और फिर से हम एक जीरो लेंगे तो उसका हमें यहां पे कुछ देना नहीं रहेगा, अगर हाँ दो जीरो लिया तो एक जीरो लिखना होगा। तो 11 5 55, देन यहां पे फिर से 5 आया, फिर से 5 आया तो आप फिर से जीरो लोगे, जीरो लेने के बाद अब उससे फिर से यहां पे 4 आएगा, तो ऐसे ऐसे ये चलते रहेगा, ये 4 5 ऐसे चलते रहेगा। तो ऑलमोस्ट आपको समझ में आया कि आपका 11 4 5 4 ऐसा कुछ आपका यहां पे कैलकुलेशन आया है। अब बताओ इसको तो मैंने आपको सिखाया है, इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किया। आप इसे क्या करोगे,
11, या तो इसे आप 4-5 भी लिख सकते हो, बाद में इसको 11 को डिग्री दे दो और बचे हुए वाले को डिग्री दे दो, देन 60 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट इसका आंसर, इसको आगे आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है। अब देखो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो गए जो आपके एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहां पे देखो पूरे सिलेबस में अगर आप देखोगे तो सिलेबस में बहुत क्वेश्चन होते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि मैक्स वन एंड मैक्स टू का एग्जाम एक ही दिन में होता है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, अगर आपने बोर्ड एग्जाम देखा होगा जो हमने आईएमपी क्वेश्चन दिए वही क्वेश्चन आए, तो साथ में अगर मैं जो जो क्वेश्चंस बोलते जाऊंगा, चलो ये 11th है, आपके टीचर्स जो पढ़ाएंगे वही क्वेश्चंस आते हैं, बट 12th में बोर्ड एग्जाम्स में जो हम यहां से देंगे वही क्वेश्चन आएगा, जस्ट भरोसा करना। इसलिए जहां पे मैं बोलूंगा इसको अच्छे से करना है, ये ऐसे करो, तो उसके ऊपर फोकस करना है। अब देखो यहां पे हमें दिया है इन ट्राइंगल एबीसी, मेजर ऑफ एंगल ए हमें दिया हुआ है, मेजर ऑफ एंगल ए, अब जो जो हमें दिया है वो हम लिख रहे हैं। गिवन मेजर ऑफ एंगल ए विच इज इक्वल टू वॉट, 7π/36 रेडियन, ओके। देन मेजर ऑफ एंगल बी इज ऑल्सो गिवन, द मेजर ऑफ एंगल बी विच इज इक्वल टू 120 degree, एंड देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी, द फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी इन डिग्री एज वेल एज इन रेडियन। मतलब अपने को इसको डिग्री में भी फाइंड आउट करना है दोस्तों, और रेडियन में भी फाइंड आउट करना है। कर लेंगे जैसे हमने बाकी के क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। ये मत सोचना कि यार ये वर्ड प्रॉब्लम है तो डर लगेगा। देखो सबसे पहले इसमें एक चीज याद रखना, जो भी क्वेश्चन में जैसे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तो यहां पे जो भी एंगल्स दिए होंगे ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा सभी एंगल्स को आपको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। किसमें कन्वर्ट कर लेना है, डिग्री में। अगर फिर बाद में डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद अगर सपोज ये ट्राइंगल है, तो हमने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके पहले से भी हम सम सॉल्व करते आए हैं, पर 9th में भी हमने रिसेंटली किया है। क्या किया, सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। अभी इसका मतलब क्या है, अगर सपोज ये अगर समझो 50 है, सपोज ये अगर 60 है, तो कमेंट करो आज के कमेंट का पहला क्वेश्चन, देखता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर कौन देता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे आज मैंने कुशल का नाम लिया, नेक्स्ट लेक्चर में देखता हूं कि मैं किसका नाम लेता हूं। इसका मेजरमेंट, इसका आंसर बताना है। मैं आपको तरीका भी बता दे रहा हूं, ये ऑलरेडी हमने 9th में सम सॉल्व किया, पूरे ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस 180 होता है, ये दोनों को प्लस कर लो, 60 प्लस 50 प्लस कर लो, कितना हो गया 110, और उसको 180 में से माइनस कर दो, दोनों को प्लस कर लो और 180 में से माइनस कर लो। अब 180 में से माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा कमेंट करना है, भूलना नहीं है। देखता हूं कि आप में से कौन सबसे सही और जोरदार आंसर देता है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका नाम लेने वाला हूं, तो ये याद रखना। तो सेम ये सम भी यही करना है, बस याद रखना कि सम चालू करने के पहले तीनों एंगल्स डिग्री में है कि नहीं वो देख लो। सर एंगल ये तो रेडियन में है। अरे हाँ सर, आपने तो बताया था कि इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यस, अब देखो यहां पे 7π/36, इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन है, उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैं तो एक ही कॉन्सेप्ट याद रख रहा हूं, डिग्री टू रेडियन जाने के लिए डर पापा का डर होता है, मतलब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां रेडियन से डिग्री जाना है, तो 180 बाय पाई, तो यहां पे क्या आएगा 180 बाय पाई, और ये किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल होने के बाद ये देखो 36 का टेबल हमने याद किया था कल के लेक्चर में, 36 फाइजा होता है 180, ये 36 का टेबल याद कर लेना। इसलिए मैंने बोला अगर आपने मेरे अभी पहले के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप देख लो। देन यहां पे अगर आप देखोगे तो 7 फाइजा कितना होगा, तो 7 फाइजा सर 35। तो यहां पे हमने ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट पार्ट पूरी तरह से सिस्टमैटिक कंप्लीट कर दिया है, और हमारा जो स्क्रीन है वो भी प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ये जो डर कहीं पे मैंने लिखा है थोड़ा सा वो नहीं दिखाई दे रहा, पर बाकी तो मैं बोलते ही जा रहा हूं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, ओके। एंगल बी हो गया 120 डिग्री, अब मेजर ऑफ एंगल सी हमें निकालना है। देखो ये डिग्री, अब सी आराम से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो हमने मन में बोला ना एक लाइन लिखना है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ, थोड़ा सा आवाज आया उसके लिए दिल से सॉरी चाहता हूं, मैंने बोला है कि काम चल रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, आपके लिए कुछ स्पेशल हो रहा है, अब आपको नोट्स हर एक सब्जेक्ट के सब कुछ मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा काम चल रहा है, पर लेक्चर्स में कमी नहीं होनी चाहिए। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ए एंगल, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180।
द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ये लाइन याद रखना और आगे से मैं इस लाइन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, बट अभी ये याद रखना द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। मतलब किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होता है 180। अब ट्राइंगल का नाम क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में कितने एंगल्स है दोस्तों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। क्या बात है, मेजर ऑफ एंगल ए 35 है सर, 35। क्या बात है, एंगल बी कितना है 120 है सर, एंड एंगल सी कितना है सर, सर एंगल सी को हमें फाइंड आउट करना है, एंड देन 180। यहां तक समझ में आया। अब ये नाइन्थ की तरह क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अब हमें क्या करना है, ये दोनों को हमें प्लस करना है, और प्लस करते टाइम भी आदत अभी से डालो कि हमें ऐसे रैंडमली प्लस नहीं करना है। यहां पे जैसे 120 है और 35 बाजू में कर लो, रफ में कर लो, ये देखो 5 यहां पे भी 5 और ये 1, तो ये कितना आया 155। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया लास्ट स्टेप में। मैं हमेशा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और हमेशा बच्चों को बोलता हूं इस तरह से करो, और इसलिए बच्चे 9900 मार्क्स स्कोर करते हैं। देन यहां पे अब देखो, यहां पे एंगल सी है, ये 180 है, ये 155 क्या होगा, माइनस होगा। देन फाइनली एंगल सी विच इज इक्वल टू, अब देखो ये भी मुझे पता है कि आपको आंसर पता है, बट हम माइनस करके देखेंगे, हम रिक्स नहीं लेंगे, और ये आदत आपको डालनी है प्लीज, जिसमें इससे कैसा होगा आप सेफ साइड में जाओगे। देखो यहां पे 10 माइनस 5 कितना होगा, 5 होगा, यहां पे 7 हो जाएगा, 7 माइनस 5 कितना होगा 2 होगा, और 1 माइनस 1 0, तो फाइनली हमें आंसर मिल गया हमारा 25 डिग्री। तो एंगल सी हमें कितना मिल गया, 25 डिग्री मिल गया। हमने देखो क्वेश्चन सॉल्व किया, बस इतना ही है, और स्टार्टिंग का जो पार्ट है हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया। देन सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। अब हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में बोला था उन्होंने कि ये रेडियन में भी चाहिए, तो रेडियन में चाहिए तो ला देंगे रेडियन में, कौन सी इतनी बड़ी बात है। तो डिग्री टू रेडियन करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिग्री टू रेडियन करने के लिए एंगल सी विच इज इक्वल टू 25 इंटू पाई बाय 180। याद है डर, डर किसका, पापा का डर, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री से किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों का कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन भी सर ने सिखाया है, ये 5 के टेबल में 36 टाइम जाएगा, ये 5 के टेबल में 5 टाइम जाएगा। तो फाइनली आई थिंक स्क्रीन पे दिख रहा है, यस फाइनली यहां पे हमारा आंसर क्या आएगा, 5 पाई बाय 36 रेडियन। तो यहां पे हमने अपने एंगल सी को, एंगल सी इन डिग्री 25 डिग्री, और इन रेडियन कितना आया 5 पाई बाय 36 रेडियन। तो यहां पे हमने ये क्वेश्चन भी हमारा क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समझ में आया क्वेश्चन पूरी तरह से, अब देखो सॉरी अब देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो हमने क्वेश्चन पूरा का पूरा, अगर इस तरह से अगर कोई भी ट्राइंगल के क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा हिम्मत करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा मैं नीचे लाता हूं, मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पे प्रॉपर दिख रहा है। टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 5π/9 5π/18, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन ऑफ, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन ऑफ मेजर ऑफ थर्ड एंगल। मैंने ये इसका कटिंग करते टाइम ना आगे का पार्ट लिया नहीं है, तो याद रखना कि यहां पे हमें थर्ड एंगल, दो एंगल हमें दिए हैं और मेजर ऑफ थर्ड एंगल अपने को निकालना है, और मेजर ऑफ थर्ड एंगल जो अपने को निकालना है वो किस में होना चाहिए, डिग्री और रेडियन में। तो देखो इस टाइप में मैं कंसिडर कर ले रहा हूं, लेट फर्स्ट एंगल को मैं एंगल ए ले ले रहा हूं, और एंगल ए का जो मेजरमेंट है, एंगल ए का जो मेजरमेंट हो कितना है 5π/9 रेडियन, और मेजर ऑफ सेकेंड जो एंगल है उसको मैं बी ले ले रहा हूं, वो कितना है 5π/18, कितना है 5π/18 रेडियन। अब दोस्तों सबसे पहला सर ने आपको बताया है, सेम वही सम है, सर ने आपको क्या बताया है, सर ने ये बोला है कि ये जो भी रेडियन दिया होगा ये डिग्री में होना चाहिए। अब देखो मैं इसको डिग्री में कर रहा हूं, तो डिग्री में सर ने बताने के लिए एक ही सर के पास तरीका है, मैं बार बार इतना हम कंफ्यूज होने से अच्छा है हमारा एक ही स्टाइल है, डर, डर किसका होता है, पापा का डर होता है, किसका होता है, पापा का डर होता है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना होता है, पाई बाय 180।
पर ये हम कब मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम डिग्री से रेडियन जाते हैं। बट यहां दोस्तों हम रेडियन से डिग्री जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो हम यहां पे क्या करेंगे 180 बाय पाई, ऐसे हमेशा याद रखना, कभी भी भूलोगे नहीं। ये किस में चले गया, डिग्री में। देन पाई पाई कैंसल, 91 जा 9, 92 जा 18। अब देखो यहां पे 20 हुआ, 20 इंटू 5 कितना होगा 100 डिग्री, 20 इंटू 5 कितना होगा 100 डिग्री। थोड़ा अच्छे से लिख दो, समझ में आया। यहां पे दिखाई दे रहा है 2020 इंटू 5, 2 5 जा 10 और 1 0। देन ये एंगल आपको कन्वर्ट करना है, यहां पे कितना है 5 पाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। क्या बात है, आपने पहले ही बोल दिया। अब देखो यहां पे ये पाई पाई कैंसल, 18 भी कैंसल, मतलब यहां पे 1 है, 18 1 जा 18, मतलब यहां पे 1। अब 10 5 जा कितना होगा दोस्तों, 10 5 जा कितना होगा 50 होगा। अब देखो यहां पे 100 आ गया, यहां पे 50 आ गया। अब आपको पता है कि थर्ड एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, क्योंकि आपने ही मुझे थोड़ी देर पहले एक आंसर दिया था कि सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। तो आप आराम से मुझे इस एंगल का मेजरमेंट बता सकते हो। इस एंगल का मेजरमेंट ये 100 और 50 है, तो 150 का प्लस कितना होगा दोस्तों 150, 180 में से माइनस कर दोगे तो 30 आएगा। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं यहां पे जो मैंने पीछे लाइन लिखी थी ना, उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। प्लीज सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, कोई ऐसा लाइन एग्जाम में नहीं लिखेगा, इसको पूरे फुल फॉर्म में लिखना है जैसा मैंने पीछे लिखा है। पीछे मतलब ये देखो यहां पे लिखा है, कहां पे लिखा है, ये देखो यहां पे लिखा है, ऐसा लिखना है। बट अभी से मैं ऐसा ही लिखूंगा, इसका इस पे आके क्लिक करते जाना, एक एक पार्ट दिखते जाएगा। यहां सम पे क्लिक करना, मेजर पे क्लिक करना, एंगल पे क्लिक करना, ट्राइंगल पे आ जाएगा। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, इट मींस द मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल टू 180। चाहिए तो एक ट्राइंगल बना दोगे तो और अच्छा है। अब यहां पे हमें, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि हमें एंगल सी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहां पे मेजर ऑफ एंगल ए क्या करना है, कितना है मेजर ऑफ एंगल ए 100 है, मेजर ऑफ एंगल बी कितना है 50 एंड देन फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी एंड विच इज इक्वल टू 180। अब देखो यहां पे ये दोनों को प्लस करो, अरे सर आपने तो पहले ही बता दिया था 150 एंगल सी और 180, एंड देन थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं, ये देखो एंगल सी विच इज इक्वल टू 180 माइनस 150 एंड विच इज इक्वल टू द एंगल सी, कितना आया दोस्तों 30 डिग्री आया। अब याद है ये डिग्री में आया, पर क्वेश्चन हमें बोला है कि हमें रेडियन में भी आंसर निकालना है, तो बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हो और इसको रेडियन में आप आराम से निकाल सकते हो। किससे मल्टीप्लाई करना है, डिग्री से रेडियन, डर, डर किसका है, पापा का है, तो ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखो सॉल्व करके बताओ और इसका आंसर आपको बताना है। चलो यहां पे मैं कैलकुलेशन दे दे रहा हूं इसका आंसर, देखो ये 30 है, 30 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, ये आपको मुझे बताना है कि इसका रेडियन में कितना आंसर आएगा। आराम से आप कैलकुलेशन करके मुझे बता सकते हो, और जो कमेंट में सबसे फर्स्ट आंसर इसका देगा जरूर मैं उसका नाम लूंगा। देखो ये ट्रिक का फायदा क्या है पता है, नाम लेना नहीं लेना वो अलग चीज है, यहां पे इस ट्रिक का फायदा क्या है कि मेरे साथ आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन होते जाएगा, तो आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मैथ्स पास करने के लिए करना होगा, बट बाकी और कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल उसी को बोलते हैं कि एक मेजरमेंट एंगल का कितना होगा 90। तो पहले से अपने को एक एंगल पता है, द एक्यूट एंगल आर इन द रेशियो, मतलब एक्यूट एंगल मतलब ये दोनों एंगल रेशियो में है, तो याद रखना हमेशा हम लेट दी कॉमन मल्टीपल, कभी भी ऐसा कोई दिखाई दी ना ऐसा कोई, तो समझ जाना कि यहां पे हमें क्या करना है, लेट दी कॉमन मल्टीपल भी k लेना है, या तो लेट दी कॉमन मल्टीपल भी x लेना है, जो भी आपको लेना है। पर याद रखना कि कहीं पे भी अगर आपको रेशियो फॉर्म में दिखाई दिया तो समझ जाना एक लाइन लिखना होगा, लेट दी कॉमन मल्टीपल भी x, याद है। अगर रास्ते पे से अगर समझो कोई फीमेल जा रही है और हाथों में बहुत सारा उसने कंगन पहना है, तो समझ जाते हो ना, अभी नया अभी लोगों को दावत दे के आया है, मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको समझ में आया होगा। तो सेम यहां पे पहचानने आना चाहिए कि कौन क्या है, यहां पे अगर रेशियो में दिया है तुरंत क्लिक कर लेना है, अरे सर ने तो बोला था लेट दी कॉमन मल्टीपल बी एक्स, और बाद में ये क्या हो जाएगा 4x, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5x। एक हो गया हमारा 4x
और दूसरा क्या हो गया फाइव एक्स, तो साथ में डिग्री चाहिए तो डिग्री दे दो, समझा। देन यहां पे अब देखो मैं यहां पे सम लिखते टाइम कैसे लिखूंगा, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है अपने मन से ले ले रहा हूं, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर ऑफ एंगल बी विच इज इक्वल टू 90, ये तो अपने को पता चल गया। देन इसके बाद लेट द कॉमन मल्टीपल बी, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, अब हमें क्या करना है लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स लेना है। अब इससे ये पता चला कि जो हमारा रिमेनिंग एंगल है, रिमेनिंग एंगल मतलब अगर आप देखोगे ये एक दूसरा, ये हमें बोला ना एक्यूट एंगल आर इन द रेशियो 4:5, तो इससे ये पता चला कि हमारा जो एंगल ए है वो कितना है 4x है और एंगल बी जो है वो कितना है हमारा 5x है, समझ में आया सबको। तो ये एंगल बी 90 में हुआ, एंगल बी यहां पे नहीं आएगा दोस्तों, यहां पे एंगल बी तो यहां हो गया, यहां पे एंगल सी आएगा। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अब देखो हमें क्या करना है, अब वही अपना नॉर्मल सा स्टाइल जैसे हम सम सॉल्व करते हैं, तीनों को प्लस करेंगे। अब आपको पता है ये लाइन मैं लिखूंगा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर ऑफ एंगल ए मेजर ऑफ एंगल बी मेजर ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल टू 180, मेजर ऑफ एंगल ए विच इज इक्वल टू 4x डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी विच इज इक्वल टू 90 एंड मेजर ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल टू 5x डिग्री एंड इक्वल टू 180। अब देखो हमें क्या करना है, एक्स एक्स वाले साथ में प्लस करना है, एक्स एक्स वाले साथ में कैसे प्लस करेंगे, देखो ये सरनेम सेम है तो 4 और 5 कितना होगा 9x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 90, देन 9x डिग्री इक्वल टू, फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि बीच में अगर छोटे मोटे आवाज आ रहे होंगे तो प्लीज एडजस्ट करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए चल रहा है, नहीं तो बोलोगे सर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है, माइक आपका प्रॉपर नहीं है, भाई अपना माइक को एक सब प्रॉपर है, प्रॉब्लम है काम चल रहा है, इसलिए देखो चेहरे पे पसीना भी दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ पे ये 9x डिग्री है, ये इसमें से माइनस होगा तो कितना आएगा 90 आएगा, 180 माइनस 90। अब देखो ये एक्स डिग्री हो गया इक्वल टू, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डिग्री दोनों का कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आया 90 आया। अब देखो यहां पे x इक्वल टू क्या होगा 90 डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू, अब देखो 9 9 9 1 9 9 1 9, या तो 9 के टेबल में 90 कितने टाइम में आएगा 10 टाइम में, तो x विच इज इक्वल टू अपने को कितना मिल गया दोस्तों 10। अब यहां पे हमें x का वैल्यू 10 मिल गया, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन में फाइंड द मेजर ऑफ द फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इन डिग्री एंड रेडियन, मतलब अपने को तीनों एंगल्स डिग्री और रेडियन में अपने को फाइंड आउट करना है, तीनों के तीनों एंगल्स, तो हमें किस में फाइंड आउट करना है डिग्री और रेडियन में, आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मेजर ऑफ एंगल ये हमने 4x डिग्री लिया है, अब देखो यहाँ पे हमने x का वैल्यू निकाला, मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, आपको नीचे सॉल्व करना है। देखो मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू कितना है 4x डिग्री, अब 4x x कितना आया अपना 10 आया, तो 10 आया तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे और जस्ट इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना होगा 40 डिग्री, समझा। देन इसके बाद मेजर ऑफ एंगल बी तो आपको पता है मेजर ऑफ एंगल बी अपना 90 ही है, देन मेजर ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल टू 5x डिग्री है, कितना है 5x डिग्री, तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय x, x का वैल्यू कितना आया था दोस्तों 10 आया था और हम यहाँ पे डिग्री लेंगे तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 डिग्री, तो फाइनली अपने को एक एंगल 40 का मिल गया, एक 50 का मिल गया और एक 90 का मिल गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक काम दे रहा हूँ, आपको क्या करना है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने रेडियन का पार्ट बहुत सारा आपको बता दिया, तो जस्ट इसको क्या करना है आपको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, उम्मीद करूंगा कि आप इसे रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लोगे। चलो आगे चलते हैं, अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 5, मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 एंड देयर डिफरेंस इज 60, तो सबसे पहले दो एंगल्स हमें नहीं पता है तो मैं दोनों एंगल्स को लेट टू एंगल बी एक्स एंड वाई ले ले रहा हूं, तो यहां पे देखो मैं सम कैसे सॉल्व कर रहा हूं, बहुत ही मजे के साथ एक एक सम सॉल्व करेंगे, लेट टू एंगल्स
टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, अगर मैंने दो एंगल्स मुझे जो पता नहीं थे मैंने उसे क्या ले लिया एक्स एंड वाई, अब हमें क्या करना है वही दो एंगल्स के बारे में पता करना है, पर उन्होंने कंडीशन दिया है, उन्होंने पहला कंडीशन क्या दिया है पता है, फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन उनका क्या है दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन है उनका कि सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन, मतलब यहां पे वो लाइन लिखने का सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स कितना है इज 5 पाई रेडियन, मतलब दो एंगल का प्लस, दो एंगल का प्लस कितना है 5 पाई रेडियन, मतलब एंगल x प्लस एंगल y विच इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 5 पाई रेडियन। अब समझ जाना ये रेडियन में है, हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहीं पे भी अगर कोई भी चीजें तुम्हें रेडियन में दिखेगी ना उसको तुरंत डिग्री में कन्वर्ट करो। थोड़ा सा ज्यादा आवाज आने लगा यार, 5 पाई चलेगा कुछ नहीं, आप काम करो, 5 पाई को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये रेडियन से डिग्री हो जाएगा, तो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, डिग्री से रेडियन जाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180, डर किसका पापा का, पापा का डर मतलब पाई बाय 180, और यहां हमें रेडियन से डिग्री आना है मतलब उल्टा जाना है, तो यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 180 बाय पाई। अब ये देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली x प्लस y विच इज इक्वल टू 180 इंटू 5 कितना होगा बताओ, यहां ये डिग्री में चले जाएगा 180 इंटू 5, अब 18 फाइव आई थिंक आपको पता होगा 18 फाइव कितना होगा 90 और साथ में एक जीरो, तो यहां पे हमें ये जो टर्म मिला डिग्री में मिला, ये मतलब अपने को फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, आई थिंक समझ में आया सबको। देखो हमने क्या लिया, लेट टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, और पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग सम को सॉल्व कर दिया, यहां पे अगर डिग्री में होता तो हम रेडियन में नहीं करते, मैंने बार बार बोला कि कहीं पे भी इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी कोई भी रेडियन दिखा तुरंत डिग्री में कन्वर्ट कर दो। अब देखो इसके बाद मैं बाजू में सॉल्व कर रहा हूं, आप नीचे सॉल्व कर सकते हो, दूसरा कंडीशन बोला है देयर डिफरेंस इज 16, तो यहां पे आप लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज कितना है 60 डिग्री, और यहां पे आप लिख सकते हो कि फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन। देखो मैथ्स जब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा म्यूजिक होना चाहिए, तो हमारे यहां पे एक म्यूजिक आ रहा है, जो हमारा एसी का फिटिंग कर रहे हैं वो बहुत एक्सपर्ट है म्यूजिक में, तो साइड में अगर म्यूजिक आ रहा है तो जस्ट समझ जाओ कि म्यूजिक आ रहा है, उसको म्यूजिक के साथ हम मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं। अब डिफरेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, माइनस, डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस, मतलब यहां पे एक एंगल एक्स है और वाई दोनों का माइनस करने पे आंसर कितना आ रहा है 60। अब ये हमें तो इसमें डायरेक्ट हमें किसमें मिल गया, डायरेक्ट हमें किसमें मिल गया दोस्तों, डायरेक्ट हमें डिग्री में इसका आंसर मिल गया, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं है। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना है, टेंथ वाला स्टेप याद करना है, टेंथ वाला, सर फिर से टेंथ का स्टेप आ गया कि हाँ टेंथ का स्टेप है, याद है हमने सॉरी फर्स्ट एक्सरसाइज में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था, और हमने देखा था कि अगर यहां पे नंबर सेम है, कोएफिशिएंट इसका सेम है, और यहां पे देखो माइनस है यहां प्लस है, तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को अपने को क्या करना है ऐड करना है। अब यहां पे क्या है एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, दूसरा क्या है एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 900 डिग्री, जस्ट इसको अपने को क्या करना है ऐड करना है मतलब प्लस। अब देखो ये अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या है 2x, और अगर इसको प्लस करोगे तो यहां पे क्या आएगा 960, आई थिंक दिख रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे पता है, यहां पे x इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 960 डिवाइड बाय 2। अब चलो फास्ट कमेंट करके बताओ क्या बात है, 480 आंसर बोल दिया, चलो एक बार डिवाइड कर लेते हैं, सब कुछ करना है पता है हमें 480 है, पर डिवाइड कर लेते हैं। देखो 2 के टेबल में 9 से छोटा नंबर कौन सा आता है, 2 4 8, तो यहां पे अब यहां पे 18 से 2 8 16 और यहां पे 0 है, तो 2 0 0, तो यहां पे आंसर कितना है हमारा 480 डिग्री। तो फाइनली हमें x का वैल्यू मिल गया दोस्तों, हमें दो एंगल्स ही फाइंड आउट करने थे ना, तो x विच इज इक्वल टू 480 डिग्री, तो मतलब अपने को एक एंगल कितना मिल गया, पहला एंगल कितना मिल गया 480,
और दूसरा एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। तो जस्ट ये वाला वैल्यू दोनों में से किसी एक में पुट कर दो। देखो ना लास्ट में क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री, बस डिग्री में फाइंड आउट करना है। ये भी चलो एक अच्छा है, ये जो आंसर आया उसको किसी एक में पुट कर दो, आपका वाई का वैल्यू आ जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहां पे, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, देखो द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:7:8, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। अब यहां पे हम देखो ना, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। अब लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स हो गया, तो मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, क्वेश्चन से ही लिखने का है, देखो यहां से कुछ कहीं से कुछ नहीं, मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, अब हमारे एंगल्स का जो वैल्यूज है वो क्या क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, और तीसरा क्या आ जाएगा 8x हो जाएगा। अलग अलग वैल्यूज हो गया, पहला क्या हो गया 3x हो गया, दूसरा क्या हो गया 7x हो गया, और तीसरा क्या हो गया 8x हो गया। ये तीनों के तीनों वैल्यूज हमारे आ गए। अब हम क्या करेंगे, हमारा वही रूल, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। क्या बात है सर, ये रूल आप भूल नहीं रहे हो, मैं ऐसे ही लिखूंगा, आपको अपने फुल फॉर्म में लिखना है। अब देखो अगर फर्स्ट जो एंगल है हमारा कितना है 3x है, इसको आप ट्राइंगल के फॉर्म में भी लेके सम सॉल्व कर सकते हो, 7x है और 8x है। अब क्या होगा, तीनों का प्लस कितना आएगा दोस्तों 180। अब देखो तीनों का अगर प्लस करोगे, देखो यहाँ पे 3x 7x 8x, अब देखो 3 और 7 10 होता है 18x, क्या बात है, इक्वल टू 180। देन फाइनली x इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 18, तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों, ये देखो 18 तो मतलब कितना आंसर है 10 डिग्री, तो मतलब x इक्वल टू फिर से आंसर कितना है, इसके पहले भी एक जगह पे आया था 10 डिग्री। अब यहाँ पे 10 डिग्री हमारा आंसर आया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, बस एक एक एंगल्स को क्या करना है, पुट करना है। अब इसके नीचे क्या लिखना है, इसके मैं यहां पे लिख रहा हूं मेजर्स ऑफ द एंगल्स, यहां पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन है, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, पहला एंगल कितना है 3x का था, दूसरा एंगल कितना था 7x का था, और तीसरा एंगल कितना था 8x का था। अब देखो यहां पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, अब भी आया हमारा x का वैल्यू कितना है 10 डिग्री, तो यहां पे हमने क्या लिया 10 डिग्री, तो विच इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 10 से, तो फाइनली यहां पे कितना हो गया 70 डिग्री। 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 10 से, तो फाइनली यहां पे कितना हो गया दोस्तों 80 डिग्री। द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इन डिग्री, ये किसके अंदर है डिग्री में, बट हमारे क्वेश्चन में दोस्तों अपने को रेडियन में भी फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इसको आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो जस्ट यहां पे आपको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से क्या कर दो मल्टीप्लाई, नहीं पाई बाय 180, क्योंकि यहां डिग्री है ना, डिग्री से हमें रेडियन जाना है, ऐसे याद रखना। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट आपके आंसर आ जाएंगे। देखो अब इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन है, जो इस टाइप के क्वेश्चन से भी हमें डरना नहीं है। द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी द ग्रेटेस्ट इज, अब देखो द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, उन्होंने क्या बोला कि जो ट्राइंगल का जो मेजरमेंट है वो किसके अंदर है, एपी में है। एपी मतलब याद है आपने टेंथ में पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है और हमें बोला है कि ग्रेटेस्ट एंगल, ये देखो पहला कंडीशन तो ये है, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी द मेजर द ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 times द स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। अब देखो वहां पे हमने अलग अलग 3 consecutive terms 4 consecutive terms ऐसे पढ़ा था, अब याद है कोई भी ट्राइंगल्स में कितने एंगल्स होते हैं, 3 angles होते हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, 3 consecutive terms लेंगे, कौन सा लेंगे दोस्तों 3 consecutive terms। अब याद है तो यहां पे आप लिखोगे मेजर्स ऑफ द एंगल्स of a triangle, let measures of the angles of a triangle be
क्या क्या लेंगे? याद है आपको थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स कैसे याद रखना है? थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स अगर आप भूल गए होंगे तो याद रखो, यहां पे क्या है, ए है, क्या है यहां पे बीच में ए है, यहां पे क्या आएगा ए प्लस डी है, और यहां पे क्या आएगा ए माइनस डी है। तो ये हमने तीनों ले लिया। द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, क्योंकि एपी में बोला है ना, तो एपी में यही हमें लेना है थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स, क्योंकि इसमें टोटल थ्री साइड्स होंगे। अब ये हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, द सम ऑफ द, डायरेक्ट लिख रहा हूं, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। इसका मतलब तीनों एंगल का प्लस कितना आएगा, 180 आएगा। मतलब ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे अगर ध्यान से अगर देखोगे तो ये देखो, यहां पे ये d और ये d कैंसल हो गया। क्या बात है सर, a a a a a a 3a विच इज इक्वल टू 180। देन फाइनली a इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3। देन फाइनली a इक्वल टू 60 डिग्री। 3 के टेबल में 18 कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में, तो इसका a का वैल्यू अपने को क्या मिल गया, 60 मिल गया। तो ये फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन हो गया। बस हमें क्या चाहिए, ये ए और डी चाहिए, फिर इसके अंदर पुट कर देंगे, अपने को एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या बोला, द ग्रेटेस्ट एंगल, द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। अब देखो यहां पे फ्रॉम द सेकंड कंडीशन बहुत मजा आ जाएगा। ग्रेटेस्ट कौन सा होगा बताओ मुझे, ये पहला है देखो माइनस में, यहां पे देखो प्लस में, तो समझ जाना कि ये ए, ए में प्लस है, तो ये समझ जाना ये ग्रेटेस्ट है। तो वो कंडीशन आप लिख दो, तो ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और हम मल्टीप्लाई के बाद अगर कोई ब्रैकेट लेते हैं, मतलब 5 के नंबर्स के बाद कोई ब्रैकेट डायरेक्ट ले लेते हैं, तो समझ जाना मल्टीप्लाई है। ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट, तो ये याद रखना, ये वाला क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा, और ये वाला क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा, याद रखना। तो यहां पर स्मॉलेस्ट क्या आएगा, ए माइनस डी। अब जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है और डी का वैल्यू निकालना है। D का वैल्यू मिल गया, जस्ट तीनों वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ गया। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, A प्लस डी 5A माइनस 5D। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे ये D है, ये चाहिए तो ये प्लस 5D यहां पे ले लो, और यहां पे ये 5A है, A वहां पे जाएगा तो माइनस होगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा यहां पे 6D, और यहां पे कितना आएगा 4A आएगा। 5A माइनस वहां पे A मतलब 1A है, तो कितना हो जाएगा 6A हो जाएगा, 4A हो जाएगा। अब देखो यहां पे 6D है, 4 इंटू ए का तो वैल्यू हमने निकाला है ना 60, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 60, तो फाइनली 6D इक्वल टू, अब देखो 6 4 जा 24 और 0 240 आया। या तो चाहिए तो आप इसको, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ अभी, ये लास्ट है कि हो गया। तो अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पता डी अकेला रख रहा हूं, 4 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री, और नीचे क्या आ रहा है 6, ये 6 यहां डिवाइड कर रहा है, देखो 6 कैंसिल हो गया, मतलब वहां पे 1 है, तो फाइनली स्क्रीन पे दिख रहा है ना सबको, हाँ, तो फाइनली क्या हो जाएगा यहां पे डी इक्वल टू 4 × 10 क्या हो जाएगा 40 डिग्री। कितना हो जाएगा 4 × 10 40 डिग्री। अब देखो दोस्तों अपने पास ए और डी आ गया, बस इसके अंदर पुट कर दो। अब यहां पे क्या लिखोगे उसके नीचे, मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल्स आर, पहला कौन सा है ऐसा मत लिख देना, a माइनस डी, दूसरा क्या है a, और तीसरा क्या है a प्लस डी। अब यहां पे हम a माइनस डी, a कितना है हमारा 60 डिग्री, माइनस d कितना है हमारा 40 डिग्री, तो फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 20 डिग्री आया। देन दूसरा क्या आएगा a, a कितना है हमारा 60 डिग्री, तो यहां पे आंसर कितना है 60 डिग्री। तीसरा क्या है a कितना है 60 प्लस कितना आएगा 40 डिग्री, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 100 डिग्री। तो दोस्तों हमने एक हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 20 डिग्री, आई थिंक एक हमारा कितना आंसर आया 20 डिग्री, दूसरा आंसर हमारा कितना आया 60 डिग्री, और तीसरा आंसर हमारा कितना आया 100 डिग्री। तो यहां पे हमने ये पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। बस आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, इसको पूरे के पूरे वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है दोस्तों, पाई बाय 180। डर किसका, पापा का, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करो और जोरदार तरीके से इसको कन्वर्ट कर दो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल का मतलब क्या होगा,
ये एक सर्कल है और कोई क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स से सर्कल पास हो रहा है। क्वाड्रिलेटरल मतलब पता नहीं, जिसके चार साइड्स होते हैं। अब इसके वर्टेक्स से क्या हो रहा है, यहां पे एक सर्कल पास हो रहा है, तो जिसका नेमिंग मैं ले रहा हूं ए बी सी डी। यहां पे कंसीडर कर लेना, लेट ए बी सी डी बी द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहां पे स्टार्टिंग में कंसीडर कर लेना। अब ये होने के बाद यहां पे क्या वाला है, टू एडजेसेंट एंगल्स आर, प्लीज बोरिंग मत होना, 40 डिग्री एंड पाई बाय 3। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, जैसे एडजेसेंट मतलब जो मेरे बाजू में होगा, मतलब यहां पे एक एंगल कितना है 40 है, तो एडजेसेंट एंगल अगर 40 आ रहा है तो ये सामने वाला होगा कि बाजू वाला, या तो ये ले लो या तो ये ले लो। चलो मैं ये ले ले रहा हूं, कितना है पाई बाय 3 रेडियन। अब हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। अब फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री, मतलब अपने को ये दोनों निकालना है और ये दोनों, ये ऑलरेडी डिग्री में, बस डिग्री में ही निकालना है और इसको डिग्री में निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं सब। यहां पे मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू कितना है दोस्तों, 40 डिग्री। ऑलरेडी डिग्री में कुछ दिक्कत नहीं, मैंने बोला जहां रेडियन दिखेगा तुरंत चेंज कर देना है। मेजर ऑफ एंगल बी कितना है दोस्तों, पाई बाय 3 है। क्या है, पाई बाय 3 रेडियन है। चारों ओर मेरे काम चल रहा है, इस साइड भी काम चल रहा है, प्रदीप सर कुछ स्पेशल करा रहे हैं, तो जस्ट लेक्चर्स रुकना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं लेक्चर्स हम देते जा रहे हैं, आप अपना स्टडी करते जाओ, थोड़ा बहुत कहीं पे आवाज आ रहा होगा तो प्लीज एडजस्ट करना। अब देखो यहाँ पे पाई बाय 3 क्या है, यहाँ पे रेडियन है। अब देखो ये पाई बाय 3 है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि डर किसका होता है, पापा का होता है। डर किसका होता है, पापा का होता है, मतलब डिग्री टू रेडियन जाएंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से। बट यहां पे उल्टा है, रेडियन से डिग्री जाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाय पाई से, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, डिग्री में। देखो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 के टेबल में 6 टाइम है, तो फाइनली आंसर कितना है, 60 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल बी हमारा कितना आया, 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, एंगल सी और डी को फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास तीन एंगल्स होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टी सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का प्लस कितना होता है, 360। बट प्रॉब्लम यहां पे क्या हो गया है, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि यहां पे हमें दो एंगल्स दिए हैं और उससे हमें अप्लाई करना है। बट दोस्तों यहां पे कुछ लिखा भी तो है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये तो मैंने टेक्निकल टर्म बोला, अपना नॉर्मल स्टाइल में अगर बात करूं तो ये दोनों का प्लस सामने वाले, याद है गाना सुना है, मेरे सामने वाली खिड़की में कौन रहता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आज के क्वेश्चन में ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों एंगल का प्लस 180। अगर सपोज ये 100 है तो ये कितना आएगा, 80 आएगा, 180 में से माइनस कर दो ना। अगर ये 40 है, 180 में से माइनस कर दो, अरे क्या बात है, 140। तो देखो यहां पे एक लाइन लिखना होगा, अपोजिट ये 10th का लाइन है, एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री मतलब 180, मतलब एंगल ए और एंगल सी का प्लस कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी विच इज इक्वल टू 180। क्या बात है, अब थोड़ा आवाज कम हुआ ना तो मजा आ गया। और अब एंगल ए कितना है, 40 डिग्री है और दिखाई दे रहा है कि नहीं हमारे बंदों को, और एंगल ए कितना है, 40 डिग्री है, और एंगल सी कितना है दोस्तों, एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है, और इक्वल टू 180। अब देखो क्या होगा, ये एंगल सी 180 माइनस 40, तो फाइनली एंगल सी 180 में से अगर 40 अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर कितना बचेगा दोस्तों, 140 बचेगा। 40 लिख रहा था, बाप रे बाप, 180 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो 140, जो हमने थोड़ी देर पहले बोला था। अब यहां पे आंसर हमारा 140 आ गया, हमें एंगल सी भी मिल गया। अब आप ये वाला, हमने देखो पाई बाय 3 को हमने कन्वर्ट किया है डिग्री में, आप एंगल बी और एंगल डी का प्लस करो। मैं चलो यहां पे कर रहा हूं, आप यहां पे करो, एंगल बी और एंगल डी भी तो सामने वाले है ना,
यहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है और वो हमेशा हमको मैथ्स पढ़ाता है। तो यहां पे एंगल बी और एंगल डी दोनों का प्लस कितना है 180। तो एंगल बी जो है वो कितना है 60 डिग्री, क्या बात है, और एंगल डी अपने को फाइंड आउट करना है 180। ये तो आप डायरेक्ट बता दोगे यार। तो एंगल डी विच इज इक्वल टू 180 माइनस 60 एंड विच इज इक्वल टू एंगल डी विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहाँ पे रोकते हैं। ऑलमोस्ट हमने मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जोरदार तरीके से हो जाए। अब देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है एक एंगल से आपको दिया है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर दो। और यहाँ पे ये जो है ये लेट दी कॉमन मल्टीपल, याद है हमने राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन सॉल्व किया था, वैसे लेट दी कॉमन मल्टीपल बी एक्स, तो ये 2x 3x 4x हो जाएगा, सबका प्लस 360 आएगा। और फिर एक एक एंगल्स को निकालो ना डिग्री और रेडियन दोनों में। तो ये एक होमवर्क है, अगर आप कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो नीचे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।